गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स का। दिवाली में जो है कुछ दिन की छुट्टी हुई थी, उसके भी सारे करंट अफेयर्स के डे प्रतिदिन उसको भी जो है करंट अफेयर्स के रूप में ला लिया जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और सीएल कैरियर एकेडमी आपको देता है बिल्कुल फ्री में, मुफ्त आपको करंट अफेयर्स देता है सुबह 7:30 बजे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सुबह 7:30 पर आपको करंट अफेयर्स मिलता है, ये बात याद रखिएगा। 7:30 AM करंट अफेयर्स आपको मिलेगा सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर, बिल्कुल सटीक और शानदार। इसके साथ आपको स्टैटिक जीके मिलेगा और जीके के बहुत सारे प्रश्न आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो आप लिखिए और प्रतिदिन अपने नोट्स बनाइए और आपका मैगजीन खुद एक महीने में तैयार हो जाएगा शानदार तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसका पहला प्रश्न देखें, हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। चीन को पछाड़ा, बांग्लादेश को पछाड़ा और भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चार ऑप्शन है, नीदरलैंड, अमेरिका, यूएई और बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है नीदरलैंड, जो एक यूरोपीय देश है, यूरोप की यूरोपीय कॉन्टिनेंट में आता है और चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या बन गया? एक्सपोर्ट मार्केट, निर्यात बाजार बोलते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? राजधानी जरूर याद रखिएगा, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम है ना, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, वही नीदरलैंड। अब देखिए नीदरलैंड तो तीसरा है, पहले और दूसरे पे कौन है? पहले और दूसरे पे कौन है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, पहला बड़ा निर्यात बाजारों में पहला जो होगा वो होगा अमेरिका, मतलब यूएसए, अमेरिका, और दूसरा जो होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जो एक अरबियन देश है, एशिया में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूएसए, यूए। तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड, चौथे पर चीन, पांचवे पर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को भी और चीन को पछाड़कर नीदरलैंड तीसरे नंबर पर आ गया, चौथे पर चीन आ जाएगा, चौथे पर चीन, पांचवे पर बांग्लादेश। तो निर्यात बाजार में ध्यान रखिएगा, और नीदरलैंड में ही, नीदरलैंड में ही आप देखेंगे, नीदरलैंड हेग में है, नीदरलैंड में एक शहर है हेग, और हेग में, नीदरलैंड के हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, यह भी याद रखिएगा। जो यूएनओ का एक अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है, और इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम नीदरलैंड की। तो सब बातें याद रखें, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद रखें, बेहतरीन प्रश्न होगा और इस तरीके से कई प्रश्नों की जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है? किसने एक पुस्तक लिखा है? देखो आप, पुस्तक है फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो हैं उनका नाम है डॉक्टर बिमल जालान। बिमल जालान इज द राइट आंसर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिमल जालान इज द राइट आंसर, पूर्व आरबीआई गवर्नर। बिमल जालान कौन है? पूर्व आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर, पूर्व आरबीआई गवर्नर है बिमल जालान, उन्होंने एक किताब लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस। तो इस तरीके के आप जरूर याद रखिएगा, इन पुस्तकों के नाम लगातार पूछे जाते रहते हैं, आपको याद रखना है कि किस पुस्तक, जो सबसे महत्वपूर्ण, बिमल जालान बहुत ही महत्वपूर्ण आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, क्या भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी, आरबीआई की अगर स्थापना देखेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और केंद्रीय बैंक के रूप में बना था 1949 में, भारत का केंद्रीय बैंक बना, भारत का केंद्रीय बैंक,
बना, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ना आरबीआई को। और इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, पूर्व आरबीआई बीमर जलान ने किताब लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस। अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखो अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप हो रही थी और इसमें कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले है ना, जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अमन सहरावत, जोगेश्वर सिंह, साजन भानवाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमन सहरावत इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा अमन सहरावत, इसके सही जवाब हो जाएगा अमन सहरावत, इसका सही जवाब होगा अमन सहरावत। अमन सहरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में तुर्की के अहमद दुसान को हराया। कितने किलोग्राम वर्ग में? अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, भार वर्ग में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। हराया किसको? हराया तुर्की के, इन्होंने हराया है तुर्की के अहमद दुमान को, तुर्की के अहमद दुमान को हराया। अमन सहरावत ने तुर्की के अमन दुमान को हराकर 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने क्या जीत लिया? गोल्ड मेडल जीता है। अब अगर देखें अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां चल रहा था? अंडर 20 कुछ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, अगर हम देखें अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 ये कहां चल रहा था? स्पेन के शहर पोंटेवेदरा में। आयोजन कहां हुआ इसका ये याद रखना है, स्पेन के पोंटेवेदरा में, पोंटेवेदरा में, स्पेन के पोंटेवेदरा में इसका आयोजन हुआ है। ये 16 वर्ष के हैं अमन सहरावत, कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के हैं और इन्होंने 57 किलोग्राम भार तुर्की के अहमद दुमान को हराया और गोल्ड मेडल जीता है। अभी इस कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 6 पदक जीते, 1 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक जो इसमें शामिल हैं। भारत ने कुल 6 पदक जीते, भारत ने 6 पदक जीते इस कुश्ती में। तो यह बात देखा, 6 पदक जीते हैं भारत ने और कौन कौन से हैं? जिसमें 4 कांस्य 1 रजत और 1 स्वर्ण, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं, याद रखेंगे आप लोग है ना। तो गोल्ड मेडल जीता अमन सहरावत ने और बाकी मेडल किसने जीता है? अंकुश, अंकुश ने जीता है, अंकुश, अंकुश ने जीता है रजत पदक, अंकुश ने जीता है रजत पदक। बाकी साजन भानवाला विकास नितेश और मानसी अहलावत, साजन भानवाला विकास नितेश, मैं बाकियों के नाम भी यहां लिख दे रहा हूं, साजन भानवाला विकास नितेश, साजन भानवाला विकास नितेश और मानसी अहलावत, और मानसी अहलावत, ये चारों खिलाड़ी जो हैं
इन्होंने जीता है कांस्य पदक। तो चार खिलाड़ी कांस्य जीते हैं, गोल्ड मेडल जीता है अमन सहलावत ने, सहरावत ने, और अंकुश ने जीता है रजत पदक। तो छह खिलाड़ी जो विश्व चैंपियन में जीते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब लोग इसको याद रखेंगे, ये सब इनमें से कोई भी प्रश्न आपके हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हो गया है, कौन सा देश है? तो हमारा प्यारा भारत इसमें शामिल हुआ है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ए इज द राइट आंसर, शतरंज खेलने वाले 12 देशों में शामिल हुआ है। अभी जो है विश्व चैंपियनशिप होगा उसमें यह शामिल किया गया है। 2022 में पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए भारत को सूचीबद्ध किया गया है। नवंबर 2022 में शुरू होने वाली चैंपियनशिप की प्रतियोगिता सूची में है ना, ये भारत को शामिल कर लिया गया है। कौन कौन से देश हैं, 12 देशों के कौन कौन से हैं? भारत, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, भारत, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, चीन। भारत, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, चीन, यूएसए, अजरबैजान, स्पेन, फ्रांस। यूएसए, अजरबैजान, फ्रांस, स्पेन, यूएसए, अजरबैजान, फ्रांस और स्पेन, नीदरलैंड, इजराइल, पोलैंड, नीदरलैंड, इजराइल, पोलैंड। इजराइल, पोलैंड, नीदरलैंड, 4, 8, 11, एक और देश है इसमें है ना, और यह चैंपियनशिप जो होगा विश्व चैंपियनशिप जो खेला जाएगा, ध्यान रखेंगे है ना, इजराइल और पोलैंड में खेला जाएगा। तो इस तरीके से 12 देशों में शामिल हुआ है भारत, जो विश्व चैंपियनशिप में शामिल होगा। या विश्व शतरंज प्रतियोगिता, दो हजार बाईस नवंबर में कहां होगा? इजराइल में। इजराइल में होगा, ध्यान रखिएगा, इसके लिए 12 सदस्यीय टीम शामिल किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने एससी और एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है ना, आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल, इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसका उत्तर होगा बी, बी होगा, कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक इज द राइट आंसर। अब यहां पे क्या किया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण को है ना, आरक्षण बढ़ा दिया गया है एससी के लिए, एससी के लिए
15 से बढ़ाकर 17% किया गया, 15% से बढ़ाकर 17%, और एसटी के लिए 3% से बढ़ाकर 7% किया गया है। एक अध्यादेश जारी किया गया है एससी और एसटी के लिए। एससी के लिए 15% से आरक्षण बढ़ाकर 17% और एसटी के लिए 3% से आरक्षण बढ़ाकर 7% किया गया है। इसको जो है महाराष्ट्र के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और इसको कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, थावरचंद्र गहलोत ने इसको मंजूरी दे दी है अध्यादेश को, और अध्यादेश राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? राज्यपाल, ये एक बात जान लीजिएगा, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। इस अध्यादेश से एससी के लिए 15 से बढ़ाकर 17 कर दिया गया और एसटी के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। जलवायु पर, क्लाइमेट चेंज पर इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल एक कन्वेंशन हुआ है क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर जम्मू कश्मीर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है इसका आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया, इसका आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन, महिमा रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया है। महिमा रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। महिमा रिसर्च फाउंडेशन ने, महिमा रिसर्च फाउंडेशन ने समाज कल्याण विभाग और शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के साथ मिलकर किया है, है ना। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है इसका आयोजन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, आप ध्यान रखेंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? जम्मू कश्मीर, है ना, यूटी बना, उसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंग, या सितरंग भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सितरंग को किस देश ने नाम दिया है? तो बंगाल की खाड़ी में हाल ही में चक्रवाती तूफान आया था, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवाती तूफान, उसका नाम सितरंग या सितरंग किसने रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड के द्वारा यह नाम रखा गया है सितरंग, है ना। तो इस तरीके से नाम रखने की परंपरा है।
बंगाल की खाड़ी, अरब खाड़ी, अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के नाम, उस इसके बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के द्वारा नाम रखा जाता है, है ना। तो इस तरीके से इस बार का जो चक्रवात का जो मेन स्ट्रीम था वो था थाईलैंड के पास, और थाईलैंड ने इसका नाम रखा है शीतरंग, है ना। और इससे प्रभावित होने वाले राज्य कौन से है? बंगाल और उड़ीसा प्रभावित होने वाले, राज्य तो यह है बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इससे प्रभावित होने वाले राज्य हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में आए तो इसे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, शीतरंग नाम थाईलैंड द्वारा सुझाया गया है। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में आखिरी जो चक्रवात अक्टूबर चक्रवात 2018 में आया था जिसे तितली नाम दिया गया था, तो बंगाल की खाड़ी में जो 2018 में आया था जिसे तितली नाम दिया गया था, है ना। 24 अक्टूबर को तेज बारिश के साथ संभावना जारी की गई थी, है ना। 2018 में जो चक्रवात आया था उसको तितली नाम दिया गया था, तो अभी जो शीतरंग आया बंगाल की खाड़ी में उसका नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, है ना, इसकी राजधानी बैंकॉक है थाईलैंड। थाईलैंड को कहते हैं सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है थाईलैंड। और थाईलैंड जो है वो आसियान का सदस्य देश है और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। कहां आता है? दक्षिण पूर्व एशिया, में आता है, ना, आसियान का सदस्य है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? हाल ही में ये फार्मूला वन होता है, F1 का मतलब होता है फार्मूला, वन ये रेस है जो गाड़ियों का रेस होता है, फार्मूला वन रेस किसने जीता है? तो उसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने, इसको जीत लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्री, है ना, ग्रैंड प्रिक्स जो जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैक्स वर्स्ट आज इस साल के अब तक के सर्वाधिक सबसे ज्यादा ये रेस का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीता है, दो चार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लगभग 10-12-15 के आसपास मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीता है, ये बात याद रखिएगा। हैमिल्टन दूसरे स्थान पर है, लुइस हैमिल्टन सेकंड पर, लुइस हैमिल्टन सेकंड रैंक पर है, याद रखिएगा। पहले पर है मार्क्स वर्स्टैपेन ने यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, यूएस F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। अब तक के लगभग जापानी, सिंगापुर, कैनेडियन, अजरबैजान, मियामी, एमिलिया रोमागना, सऊदी अरब, फ्रेंच, स्पेनिश, हंगेरियन, बेल्जियम, डच, इटालियन, इन सभी को जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मोनाको सर्जियो पेरेज ने जीता है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज मेक्सिको के हैं, ये मैक्स वर्स्टैपेन कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। ऑस्ट्रेलिया और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है चार्ल्स लेक्लर जो है वो मोनाको के हैं, उन्होंने जीता है। तो बहरीन और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मोनाको के चार्ल्स लेक्लर ने, है ना, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री बहरीन और ऑस्ट्रियन चार्ल्स लेक्लर, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज, इसके अलावा बाकी सब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, और ये गाड़ी चलाते हैं रेडबुल का, रेडबुल के ड्राइवर हैं। लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज के, ड्राइवर हैं, है ना। लुइस हैमिल्टन जो है इंग्लैंड के हैं और मैक्स वर्स्टैपेन ये हैं नीदरलैंड के। तो दैट ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात आप याद रखिएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया है? प्रवासन माइग्रेशन, प्रवासन का बताता माइग्रेशन निगरानी प्रणाली
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो माइग्रेशन निर्माण जो निगरानी प्रणाली के उद्घाटन मुंबई में किया गया है। मुंबई इज द राइट आंसर। माइग्रेशन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन मुंबई में किया गया है, याद रखेंगे, मुंबई इज द राइट आंसर। ये जो है माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, देश की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन 21 अक्टूबर को मुंबई में किया गया। 21 अक्टूबर को मुंबई में किया गया, मुंबई में किया गया, याद रखिएगा, 21 अक्टूबर को मुंबई में किया गया माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें होगा क्या? यह प्रणाली गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के बारे में एक प्रणाली तुरंत अपडेट जानकारी प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराने वाली स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के बारे में तुरंत अपडेट मिलेगा। बच्चों के बारे में एक ही प्रणाली पर तुरंत अपडेट, एक ही प्रणाली पर तुरंत अपडेट प्राप्त होगा, है ना? प्रवासन निगरानी प्रणाली एक ही पर तुरंत जो है आपको इस पर प्राप्त होगा निगरानी प्रणाली से। महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने महिला और बाल विकास विभाग द्वारा विकसित प्रणाली का शुभारंभ किया, है ना? मंगल प्रभात लोढ़ा ने उद्घाटन किया। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा ने इसका उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने महिला और बाल विकास विभाग द्वारा विकसित प्रणाली का शुभारंभ किया। ये किसने किया? महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा बनाया गया है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा, बाल विकास विभाग द्वारा, विभाग द्वारा विकसित किया गया है, है ना? याद रखेंगे। तो प्रवासन निगरानी महिला और बाल विकास विभाग जो महाराष्ट्र के है उसके द्वारा विकसित किया गया है, और उसके मंगल प्रभात लोढ़ा के जो मंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये बात याद रखिएगा, किसके लिए है, किसने किया, किस तरीके की बात है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना ने निगरानी के लिए कितने ड्रोन की खरीद के लिए एक निविदा जारी की है? भारतीय सेना ने क्या किया है? अक्सर भारतीय सेना जो हमारे इंडियन आर्मी है उसने पाकिस्तान सीमा पर निगरानी के लिए, है ना, 750 ड्रोन खरीदने के लिए निविदा का मतलब क्या होता है? एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो खरीदेंगे। निविदा जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी और एएलएसी, एलओसी और एएलएसी रेखा पर निगरानी के लिए यह ड्रोन खरीदा जा रहा है। एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है? ये पाक के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह किसके साथ है? चीन के साथ,
है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं नियंत्रण रेखा। इसको क्या बोलते हैं? नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत और चीन के साथ। तो इन रेखाओं पर, इन सीमाओं पर निगरानी के लिए भारतीय सेना ने 750 ड्रोन खरीदने के लिए निविदा जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया, और इसके तहत जो भी कंपनियां ड्रोन बनाती हैं वो वहां पर जो है अब उनसे मिल सकते हैं, विजिट कर सकती हैं, जिनका सबसे बढ़िया ड्रोन होगा उसको लिया जाएगा, है ना। तो इसकी निगरानी रखने के लिए है ना ये ड्रोन जो है लिए गए हैं। ये काम है, यहां से घुसपैठ की बहुत ज्यादा कोशिश होती है, इस घुसपैठ को रोकने के लिए काम किया गया है, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारी बातों पर याद रखेंगे, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत बेहतर है, इसको पढ़िए और लिखिए। चलिए कल फिर मिलेंगे, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।